हेलो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, तो अभी इस सब क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आपको मिल रहा है टैन स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स मिल रहा है। तो एक फार्मूला होगा, जैसे कि हम टैन स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला लिखते हैं, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको मिलता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये फॉर्मूला हम इस टैन स्क्वायर एक्स की जगह पुट आउट करेंगे तो आपको मिलेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या होगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स मिलेगा। अब इस वीडियो के अंदर हम जब ये क्वेश्चन पुट आउट कर रहे हैं या इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आप इसको सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हो। सो सेक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स मिलेगा। तो sec square x का इंटीग्रेशन होता है tan x और 1 into dx हो जाएगा dx, dx का इंटीग्रेशन होगा x plus c। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व। ओके, अभी देख रहे हैं हम दूसरा क्वेश्चन। अभी ये सेकंड क्वेश्चन आपको तकरीबन एक फॉर्मूले के जरिए मिलेगा, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन, देखिएगा बहुत ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलता है। तो ये फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऑफ डी एक्स इज डिवाइडेड बाय आपको कॉस एक्स मिलेगा। सो कॉस कॉस गेट कैंसल, सो आई इज इक्वल्स टू टू बाहर हो जाएगा बिकॉज कॉन्स्टेंट है, साइन एक्स ऑफ डी एक्स मिलेगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस टू, तो हम सॉरी माइनस कॉस x प्लस सी होगा, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x है लेकिन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x है। दैट्स व्हाई इसका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा माइनस cos x, वैल्यू को बैलेंस करेंगे तो माइनस टू cos x प्लस सी मिलेगा। तो इस तरीके से आसानी से हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन आपको कॉस एक्स ऑफ डी एक्स, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक साइन एक्स के नीचे में, ओके, इंटू वन अपॉन कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। लेकिन एक फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा होता है, और वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा होता है। ये वैल्यू को पुट आउट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स इंटू सेक एक्स ऑफ डी एक्स मिलेगा। ओके, लेकिन ये किसी का इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रेशन है, सेक एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन है। देखा आपने, इतने इजी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप चाहे तो इस क्वेश्चन में आउट ऑफ मार्क्स दे सकते हैं, अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा तो आप इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस आप इस वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे और ट्रिक्स आपको पता चले, तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर का, cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x दिया है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को सेम लग रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। cos 2x इज डिवाइडेड बाय, नीचे आपको डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x मिल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल r इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इज डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x ऑफ dx मिलेगा। लेकिन cos 2x का एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है कोई बता पाएगा? चार फॉर्मूले हैं, उनमें से एक फॉर्मूला यहाँ लगेगा जो है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x ऑफ dx होगा। सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x होगा माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x ऑफ dx होगा। सो इट विल बी गेट कैंसिल, तो आपको यहाँ पर मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos अपॉन sin, क्या हो जाता है, cot स्क्वायर x ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा। लेकिन आपको एक फॉर्मूला पता होगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। इसी से बना एक फॉर्मूला है, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस
वन, ये फॉर्मूला यहाँ पर बनाएंगे हम। सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी थीटा के लिए क्या आएगा एक्स माइनस वन ऑफ डी एक्स होगा, और इसका इंटीग्रेशन तो एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसको कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और माइनस वन डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स माइनस एक्स प्लस सी। सो आई इज इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स माइनस टू एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हमने नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें फिफ्थ क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो देखिएगा बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x is divided by sin square x into cos square x of dx मिलेगा। अब cos 2x के चार फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला है cos square x minus sin square x, दूसरे नंबर का फॉर्मूला है 1 minus 2 sin square x, तीसरा नंबर का फॉर्मूला है 2 cos square x minus 1, और फोर्थ नंबर का फॉर्मूला आता है 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। तो इस तरीके से हम चार फॉर्मूले से पहला फॉर्मूला यूज करेंगे जो इसके पहले के क्वेश्चन में भी हमने यूज किया है। क्या था, cos 2 थीटा की जगह लिखेंगे हम cos square x minus sin square x is divided by, आपको मिलेगा sin square x into cos square x मिलेगा, ठीक है, into dx होगा। अब डेनोमिनेटर को हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, सो y is equals to integration of cos square x upon sin square x into cos square x of dx, हमने सेपरेट भी कर दिया साथ में, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डीएक्स मिलेगा। सो साइन स्क्वायर साइन और कॉस स्क्वायर गेट कैंसिल हो जाएंगे, सो वन अपॉन साइन स्क्वायर हो जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, लेकिन कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी यहाँ पर फिनिश होता है, और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सिक्स्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी आसान है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमने साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स जैसे का वैसा रखेंगे, तो यहाँ पर वन प्लस साइन एक्स को रैशनलाइज करेंगे, वन माइनस साइन एक्स से करना पड़ेगा क्योंकि रैशनलाइज उसके अपोजिट नंबर साइन से होता है। तो इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और इसको फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स इज डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया, बाद में इसको सेपरेट करते हैं लेकिन मल्टीप्लिकेशन के साथ पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आपको मिलेगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स होगा। लेकिन नीचे के टर्म को हम थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज डिवाइडेड बाय वन, वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स होगा। अब इसको क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, साइन एक्स के नीचे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स ओके ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स मिलेगा। तो इसका तो हमने इसके पहले के क्वेश्चन में अरेंज किया था, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर है तो आपको एक मिलेगा टैन एक्स और सेक एक्स ऑफ डी एक्स मिलेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन इसका इंटीग्रेशन आपको तो पता है sec x into tan x, ये किसका डेरिवेटिव sec x का है, तो उसका डेरिवेटिव का उल्टा होता है रेसिप्रोकल इंटीग्रेशन। सो I is equals to आपको मिलेगा यहाँ पर sec x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan square theta is equals to आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा sec square x माइनस वन ऑफ dx, ये इंटीग्रेशन नहीं है, जस्ट ओनली फॉर्मूला है, आइडेंटिटीज के फॉर्मूलेज है उसमें ये आता है फॉर्मूला। अब हम इसको सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको मिल गया sec x माइनस sec square x का इंटीग्रेशन tan x और 1x का x होगा, ब्रैकेट में आपको क्या लिखना पड़ेगा
टैन एक्स माइनस एक्स, तो आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा सेक एक्स माइनस टैन एक्स प्लस एक्स प्लस सी। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी सॉल्व हो गया, मतलब सिक्स नंबर का है। आप चाहे तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेवेंथ क्वेश्चन। ये भी आसान है, देखिए कैसे करेंगे। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स इज डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टैन एक्स होगा। इसका रैशनलाइज लेंगे हम तो यहाँ पर आपको मिलेगा सेक एक्स माइनस टैन एक्स इज डिवाइडेड बाय, आपको यहाँ पर मिलेगा सेक एक्स माइनस टैन एक्स ऑफ डी एक्स होगा। रैशनलाइज की वजह से आपको एक फॉर्म मिलेगा यहाँ पर टैन एक्स ऑफ सेक एक्स माइनस टैन एक्स इज डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टैन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज ऑफ डी एक्स, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है वन, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको सेपरेट इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन ऑफ डी एक्स लिखेंगे। सो आई सी कॉस इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और 1x प्लस सी मिलेगा। सो आई इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस टैन एक्स प्लस एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन भी फिनिश होता है। आप चाहे तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि भाई इसमें आपको फॉर्मूला जनरली समझ में नहीं आते हैं, या फिर बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत अजीब है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि भाई यहाँ पर वन है और यहाँ साइन टू एक्स है। हमें ये तो पता है कि साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू टू साइन थीटा इंटू आप कॉस थीटा लिख सकते हो। तो भाई ऐसा कौन सा फॉर्मूला होगा जो वन की जगह आ सकता है, जिसमें आप साइन और कॉस का जिक्र कर सकते हो। तो एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, आपको मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। तो ये वैल्यू आप वन की जगह पुट कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट आपको मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू एक्स के लिए आएगा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऑफ डी एक्स होगा। आप इसमें सेपरेट इसको कर सकते हैं। ओके, अभी देख रहे हैं हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। फॉर्मूले में आपको एक चीज समझ में आएगा कि एक फॉर्मूले में आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर होगा ऑफ डी एक्स होगा। ये हो जाएंगे कट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, आपको जस्ट ओनली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिलेगा ऑफ डी एक्स के साथ। आप अगर सेपरेट इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा साइन एक्स ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स मिलेगा। सो आई इज इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते। ओके, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फॉर्मूला समझना पड़ेगा। कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू को बैलेंस करेंगे, टू साइन स्क्वायर थीटा अगर इधर लेके आते हैं तो इधर वन माइनस कॉस टू थीटा ला सकते हैं, ठीक है। ये मिल गया फॉर्मूला, तो आप इसकी जगह में ये वैल्यू को पुट आउट कर सकते हैं। सो आई सी प्लस टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट आपको मिल जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, स्क्वायर रूट टू बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आपको अंडर रूट में मिलेगा
साइन स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, आपको रूट टू ऑफ इंटीग्रेशन साइन एक्स मिलेगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है रूट टू जैसे का वैसा माइनस कॉस एक्स, ओके प्लस सी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी फिनिश होता है। आप चाहे तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको साइन इंटू कॉस का मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के कुछ ट्रिक्स है जो हम देखना चाहेंगे अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x ऑफ dx मिलेगा, ओके। अब लगने वाला फॉर्मूला तो समझना पड़ेगा यार कि अब यहाँ लगेगा कैसे, स्टार्टिंग का क्वेश्चन है तो इसमें कैसे करेंगे। बच्चों को बहुत दिक्कतें आती है, फॉर्मूले याद नहीं रहते, तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। जब कभी भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का, इसमें भी सेम लगेगा, सिर्फ साइन चेंज होंगे। क्या चेंज होंगे? सिर्फ साइन चेंज होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला मिल गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ही हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर एडिशन का साइन आएगा तो प्लस माइनस गेट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी मिलेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एक चीज समझ में आ जाएगी आप लोगों को। टू साइन ए के जगह पे आप लीजिएगा 4x और कॉस में 3x, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, साइन 4x प्लस 3x प्लस साइन 4x माइनस 3x। तो ये हो गया भाई साइन 7x प्लस साइन x इज इक्वल टू, आपको ये जो 2 है इसको इधर लेके आना है 1 बाई टू ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x हो जाएगा, ठीक है। इसके जगह पे ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट आउट कर देते हैं। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आपको मिल गया साइन 4x इंटू, सॉरी क्या होगा, 1 अपॉन 2 ऑफ इंटीग्रेशन साइन 7x प्लस साइन एक्स ऑफ डी एक्स मिलेगा। सो आई इज इक्वल टू 1 बाई 2 ऑफ इंटीग्रेशन साइन 7x ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ऑफ डी एक्स मिलेगा। सो आई इज इक्वल टू 1 बाई 2 जैसे का वैसा साइन एक्स का, साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x अपॉन 7 होगा, नीचे डेरिवेटिव होता है, प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x अपॉन 1 होता है जो हम जनरली लिखते नहीं है क्योंकि 1 ही है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं माइनस कॉस 7x अपॉन 14 माइनस कॉस x अपॉन 2 प्लस सी। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर फिनिश किया है, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है और मेरी टीचिंग अगर आपको पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।